हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहसिन एंड वेलकम टू द मरीन मैन। 150 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो सारे सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज की वीडियो ETO सीरीज़ की वीडियो ही रहने वाली है, मेडिकल प्रोसीजर के ऊपर रहने वाला है। फाइनल स्टेज हमारा एडमिशन के लिए, मेडिकल प्रोसीजर ख़त्म होते ही हमारा एडमिशन कन्फर्म हो सकता है। और मेडिकल प्रोसेस एक डिसक्वालिफाइड स्टेज भी रहता है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आपको मेडिकली फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं पूरी अपनी प्रोसीजर बताऊंगा आपको, कौन कौन से टेस्ट होंगे मेडिकल के दौरान और किस तरीके से सारे होंगे, कितना खर्चा आएगा। फिर वीडियो के लास्ट में मेडिकल के दौरान की टिप्स दूंगा और कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है जब अगर हमारा मेडिकल हो रहा हो तो। इससे पहले ETO की रिटन टेस्ट और ETO के इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो दोनों भी काफ़ी ज़रूरी है आपको मेडिकल तक पहुँचने के लिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो देख ले, इंटरव्यू और एग्ज़ाम क्लियर करें, फिर ये मेडिकल वाला वीडियो देखे। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख ले। अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करे, शेयर करे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दे और बेल आइकन भी दबा दे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मेरा मेडिकल मुंबई में हुआ था, इंडिया हाउस पाथ लैब में, अंधेरी में। आप मेडिकल कहीं से भी करा सकते हैं, बट वो डॉक्टर डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड होना चाहिए कि वो मर्चेंट नेवी की प्रीसी ट्रेनिंग या फिर ऑनबोर्ड ट्रेनिंग के लिए मेडिकल कर सकता है। उसका लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। आप कहीं से भी करा सकते हैं। अगर आप एंग्लो ईस्टर्न का मेडिकल के लिए है तो वो एंग्लो ईस्टर्न वाले बहुत ही कम सिटीज़ में अलाउ करते हैं मेडिकल के लिए। वो अपने कॉन्टैक्ट्स में जो भी डॉक्टर्स है वहीं से भी आपको वो रिकमेंड करेंगे कि आप वहीं से मेडिकल करना पड़ेगा। और वो सारी लिस्ट मैं स्क्रीन पे दे दूंगा इसे पूरे इंडिया में। तो एंग्लो ईस्टर्न का है तो आपको वहीं जाके करना पड़ेगा, या फिर एक बार HR से बात करके भी आप कह सकते हैं। अगर और कोई कॉलेज है तो सिर्फ आपको देखना होगा कि डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर है या नहीं है, वो आप उसकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ से अपने स्टेट के हिसाब से और सिटी के हिसाब से डॉक्टर देख सकते हैं। उसमें पूरा एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ रहेगा, तो वो PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मेडिकल प्रोसीजर के बात करें, उससे पहले मैं बता दूं कि हर एक मेडिकल मर्चेंट नेवी का मेडिकल की फ़ीस अराउंड 5,000 से 7,000 तक रहेगा, और वो आपको खुद को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स में देखें तो आप 4 to 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, और ID प्रूफ और ओरिजिनल और एक जेरोक्स कॉपी। देखिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ में ये है कि अगर आप स्पेक्स पहनते हैं, मतलब आपको ग्लासेस लगे हुए हैं, तो ग्लासेस वाले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अलो नहीं करते, तो आपको विदाउट ग्लासेस वाले ही ले जाने पड़ेंगे। अगर अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो फिर शूज़ कंपलसरी है, मीन्स स्पोर्ट्स शूज़। वहाँ आपको ट्रेडमिल पे दौड़ाया जाएगा थोड़ी देर के लिए, इसलिए स्पोर्ट्स शूज़ अच्छे है, मतलब इजी रहेगा आपके लिए। फिर एम्प्टी स्टमक लेकर जाना है, मतलब जिस दिन आपका मेडिकल हो उसकी अगली रात के 10 बजे से पहले खा लेना है, और उसके बाद कुछ खाना नहीं है, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी कुछ नहीं, सिर्फ पानी ही पी सकते हैं, और डायरेक्ट आपको दूसरे दिन मेडिकल के लिए जाना है। और स्टूल सैंपल आप घर से भी ले जा सकते हैं, और या फिर आप जर्नी करके मेडिकल सेंटर तक पहुंच रहे हैं तो फिर आप मेडिकल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां जाके भी टूल सैंपल दे सकते हैं। और पैंट भी ट्रैक पैंट ही पहने तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि रनिंग करना पड़ेगा इसलिए। अब अगर मैं मेरी प्रोसीजर की बात करूं तो देखिए, प्रोसीजर थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी, बट टेस्ट तो सारे वही होने हैं, वो तो सेम ही रहेंगे। देख, ठीक है, सबसे पहले जैसे ही मैंने एंट्री ले ली सुबह 9
9 बजे मुझे उन्होंने बुला लिया था। तो जैसे ही एंट्री ले तो मेरे पास से उन्होंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लिए। तब मैं ग्लासेस वाले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके गया था, मुझे ग्लासेस लगे हुए थे, उन्होंने वो फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं किए। फिर मैं दूसरी बार गया था तब विदाउट ग्लासेस लेके गया था, मैं टेम्पररी रिजेक्शन आ गया था। वो मैं वीडियो के आगे मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ था। वो लिए, फिर मेरा आईडी प्रूफ लिया, फिर उन्होंने वही COVID-19 सिम्टम्स वाला फॉर्म दिया, वो फिल कर लिया। तो फिर उन्होंने अपने इंडिया हाउस पाथ लैब का एक बड़ा सा फॉर्म दिया, उसमें हमें हमारी सेल्फ डिटेल्स फिल करनी रहती है, और वो सब होता है कि नाम है, ईमेल आईडी है, नंबर है, वही सब, ब्लड ग्रुप अगर पता है तो वही सब। और उसके नीचे काफ़ी सारे मतलब 15 से 20 हेल्थ इश्यूज़ लिखे हुए थे कि ये हेल्थ इशू आपको है या फिर पास्ट में कभी हुए हैं, मतलब कोई ऑपरेशन हो गया, कोई स्किन की बीमारी हो गई, ऐसे काफ़ी सारे लिखे थे, मुझे अभी तो पक्का याद नहीं है। फिर लिखा था कि आपको स्पेक्स है या नहीं है, वही है, देख लेना आप, वो फिल करना रहेगा। अगर आपको कोई हेल्थ इशू के बारे में पता नहीं रहता तो आप वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, थोड़ी देर के बाद डॉक्टर खुद आपको कंसर्न करेगा, एक एक हेल्थ इशू के बारे में आपको पूछेगा और वो खुद से भी फिल करता जाएगा अलग एक सेक्शन में। तो वो हो गया। तो उसके बाद पता नहीं ये सारी लेबोरेटरी करता है या नहीं करती है, बट एंग्लो ईस्टर्न की शायद से पॉलिसी होगी कि मेडिकल के दौरान भी एक साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है जिसमें 400 क्वेश्चंस रहते हैं, मींस एक साथ तो नहीं कंप्लीट करने रहे होते हैं, जैसे ही 1 by 1 टेस्ट होंगे उसके बीच में आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो वही टाइम में आपको वो क्वेश्चन थोड़े 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 करते जाना है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। और मेडिकल आपका ऑलमोस्ट एक दिन चलेगा, मतलब मैं सुबह 9 बजे एंट्री लिया तो फिर दोपहर को मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ा था कि आप कुछ खा के आओ, क्योंकि अगले दिन शाम से कुछ खाया नहीं होता है इसलिए। फिर मेरा मेडिकल हुआ था अराउंड 4 साढ़े 4 बजे, कंप्लीट हो गया था, मीन्स एक ही दिन में आपको मेडिकल आपका पूरा हो जाएगा। टेस्ट में सबसे पहले आता है ब्लड टेस्ट, मीन्स आपका ब्लड लिया जाएगा, यूरिन लिया जाएगा और स्टूल सैंपल। स्टूल सैंपल आप वहाँ जाके भी दे सकते हैं या फिर घर से भी कैरी कर सकते हैं, आप उनको कॉन्टेक्ट करके एक बात कर लेनी चाहिए। फिर ब्लड में तो 2 छोटी छोटी बोतलें खींच लेते हैं, मीन्स ब्लड और यूरिन में मीन्स 8-10 टेस्ट उसमें ही आ जाते हैं, मीन्स टोटल तो अराउंड 40 to 45 टेस्ट होते हैं। अब अगर हम प्रॉपर टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले ऑडियोमेट्री मेरा हुआ था, एक अलग ही छोटे से रूम में ले जाते हैं, बड़े बड़े हेडफोन लगाने होते हैं और एक हाथ में स्विच रहती है, वो बारी बारी से एक एक कान में छोटी छोटी मीन्स वॉल्यूम कर कम करते जाते हैं और आवाज़ आती है। अगर हमको आवाज़ आती है तो वो की हमें मीन्स वो बटन होता है वो हमें प्रेस करना होता है, इसी तरह से दोनों कान में वो करते हैं और रिपोर्ट बनता है। उसके बाद सिर्फ चेस्ट का एक्सरे वो लोग करते हैं, फिर हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वही सारे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में वो बारी बारी से हमें पूछता जाता है कि ये हुआ था, और अपने वो जो रिपोर्ट होता है उसमें नोट्स या फिर कुछ भी लिखता जाता है। उसके बाद हमारा हाइट चेक होता है, वेट चेक होता है, बीए उसके ऊपर से बीएमआई कैलकुलेशन रहता है। देखिए, अगर आपका बीएमआई कंट्रोल में नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप टाइम लेके अपना वेट कम कर ले और बीएमआई कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर वहाँ 1-2 भी ऊपर नीचे आया तो फिर आपको टेम्पररी इंजेक्शन मिल सकता है, आपको अगेन मेडिकल के लिए जाना पड़ सकता है, इसलिए बीएमआई अपना कंट्रोल में रखें। उसके बाद आई साइट टेस्ट हुआ था, मीन्स एक आई को बंद करके हमें आईने में जो नंबर्स होते हैं वो दिखने पड़ते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। अगर हम मैं इंजन डिपार्टमेंट की बात करूँ, मीन्स मरीन इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, तो आपकी आईसाइट 6x9 होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग आई में, और मिनिमम 6x12 होनी चाहिए वीक आई में। इससे ज़्यादा होता है तो फिर आपको लेजिक करवाना पड़ेगा। मेरा भी लेजिक हुआ था क्योंकि मेरा पावर तो कम था बट दोनों आई में 6x18 आया था।
फिर से मुझे मेडिकल के लिए जाना पड़ा। वहाँ फिर से मेरी आईसाइट टेस्ट हुआ और दोनों में कंप्लीट आ गया। फिर मुझे मेडिकली फिट उन्होंने किया। अगर उसके बाद देखे तो रीडिंग भी कराते हैं, मीन्स नियर रीडिंग कराते हैं। मीन्स आप टेबल के ऊपर एक पेपर में छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, तो एक एक आंख बंद करके दोनों वर्ड्स हमें पढ़ना पड़ता है। कलर ब्लाइंड टेस्ट भी होता है, आप घर पे भी चेक कर सकते हैं कि आप कलर ब्लाइंड है या नहीं है। एक बार चेक कर ही लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कलर ब्लाइंड होते हैं बट बहुत लंबी एज तक उनको पता ही नहीं चलता कि वो कलर ब्लाइंड है या नहीं है। इसलिए आप घर पे एक बार चेक कर सकते हैं। फिर आपका छोटा सा डेंटल इंस्पेक्शन भी होगा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको मुंह खोल के वो अच्छे से अंदर देखते हैं। उसके बाद अगर देखने जाए तो मेरा कार्डियोग्राम ECG हुआ था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हुआ था। पूरा वायर वायर लगा के वो कंप्यूटर में से कार्डियोग्राम निकलता है वही। उसके बाद BP चेक भी हुआ था। देखिए BP चेक में तो ऐसा है कि आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। ब्लड प्रेशर के मामले में काफ़ी सारे कैंडिडेट का हाई आ जाता है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। वहीं पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा दो कैंडिडेट्स की, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद न्यूरे टेस्ट होता है, मीन्स आपको लेटाया जाएगा। उसके बाद काफ़ी सारे वायर्स को यहाँ पूरे सिर पे लगाया जाएगा और वो कुछ लैपटॉप में आपको वो देखेगा। आपको एकदम सीधा देखना है, थोड़ा कंसंट्रेशन और फोकस के साथ देखना रहेगा। वो भी 10-15 मिनट आपका न्यूरो टेस्ट रहता है। उसके बाद स्पायरोमेट्री टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट रहता है। देखिए स्ट्रेस टेस्ट में तो ऐसा है कि ट्रेडमिल पे आपको दौड़ाया जाएगा। मुझे अराउंड 15 से 20 मिनट तक दौड़ाया था। मीन्स उसमें ऐसा, मीन्स दौड़ाया तो नहीं जाएगा, स्टार्टिंग में आपको वॉक करना रहेगा। फिर धीरे 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 वो स्पीड और ट्रेडमिल की जो हाइट रहती है उसको बढ़ाएंगे। देखिए उसमें ऐसा रहता है कि आपकी जो ब्रीद होती है, ब्रीद पर मिनट, वो एक सेट वैल्यू तक पहुंचनी चाहिए, वहाँ तक वो आपको रन करवाएंगे, ठीक है। फिर स्पायरोमेट्री में एक पाइप में आपको जोर से एयर को, हवा को फूंकना है और वो कुछ चार्ट आता है कंप्यूटर में, वो आपको दिखाएंगे कि आपको इस तरीके से चार्ट बने वैसे आपको पाइप में हवा फूंकनी है नहीं है। फिर होगा आपका सोनोग्राफी, पेट का पूरा सोनोग्राफी होगा, वो भी अलग डॉक्टर डॉक्टर ही करेंगे। फिर आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी करवाएंगे। मंस कुछ कुछ लैब करवाती है, कुछ लैब नहीं करवाती है। मेरी लैब ने करवाया था, मीन्स विदाउट सपोर्ट आपको एकदम बैठे तो खड़ा हो जाना है, फिर हाई जंप करना है, स्क्वाट्स लगाने हैं, फिर लेडर क्लाइंबिंग फास्ट फास्ट करनी है। मीन्स 5-10 बार आपको लेडर क्लाइंबिंग वो लोग करवाएं। तो यही सारे टेस्ट है जो फिजिकली करने रहते हैं। बाकी काफ़ी सारे टेस्ट है जो लैब में ही होते हैं। मीन्स ब्लड टेस्ट, जो आपका ब्लड लिया गया है उसमें ही काफ़ी सारे टेस्ट आ जाते हैं। मैं HIV जैसे, और यूरिन है उसमें भी काफ़ी सारे टेस्ट आ जाते हैं। ये सारे फिजिकल टेस्ट हो गए। एक और बात आपको मैं बता दूँ, मेडिकल प्रोसीजर तो कंप्लीट हो गई। अगर आप एंग्लो ईस्टर्न के लिए मेडिकल कर रहे हैं तो, और मैंने जो लोकेशंस आगे दिखा है उन्हीं पे आप कर रहे हैं, तो एंग्लो ईस्टर्न वालों की पॉलिसी है कि वो लोग स्टूडेंट के हाथ में रिपोर्ट नहीं देते। मीन्स अगर और कोई कॉलेज में से आप करवा रहे, वो कॉलेज ने बोला कि आप कहीं से भी करवा लो, मीन्स DG शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर से कहीं से भी करवा लो, तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। बट अगर एंग्लो ईस्टर्न वालों ने आपको मेडिकल सेंटर्स दिए और वहाँ पे जाके आप मेडिकल अपना करवा रहे हो, तो वो लोग आपको रिपोर्ट नहीं देंगे। वो आपका जो भी रिपोर्ट आया होगा वो आपको बोल देंगे कि आप टेम्पररी अनफिट हो, एक परमानेंट अनफिट हो, या फिर आप मेडिकली फिट हो, पर रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आप वो रिपोर्ट सीधा आप इंस्टीट्यूट, मीन्स एंग्लो ईस्टर्न में पहुंच जाएगा, तो वो बात का ध्यान। ये तो हो गई पूरी मेडिकल प्रोसीजर। अब बात करते हैं मीन्स मेडिकल से पहले आपको घर से ही कौन कौन से टेस्ट करके मेडिकल सेंटर पे जाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप स्पेक्स पहनते हो या फिर नहीं भी पहनते हो, फिर भी आप अपना
अपना आईसाइट टेस्ट एक बार करवा लो। कोई भी नज़दीक में ऑप्टिक्स की दुकान होगी वहाँ पे होता ही है, या फिर आप कोई आई के डॉक्टर को भी कंसल्ट करके अपना आईसाइट टेस्ट करवा सकते हो। मैंने पहले भी बोला है कि इंजन डिपार्टमेंट के लिए 6x9 इन बेटर आई और 6x12 इन वीक आई रहता है, और डेक डिपार्टमेंट के लिए तो दोनों में 6x6 ही होना चाहिए। स्पेक्स वालों को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपकी आईसाइट सही है फिर भी मेडिकल के दिन सुबह से स्पेक्स मत पहनना, क्योंकि अगर आप इंस्टेंटली स्पेक्स निकाल के आईसाइट टेस्ट अपना दोगे तो अपनी आई थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। अगर आप सुबह से ही चश्मा निकाल के घूम रहे हो तो आई थोड़ी कंफर्टेबल आ जाएगी, इसलिए अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो वो निकाल देना सुबह से। कलर ब्लाइंड टेस्ट भी आप घर पे ही कर सकते हो, और वो करके ही जाना, मीन्स आप गूगल कर सकते हो, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, उस पर आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो चेक कर सकते हैं। फिर हाइट वेट चेक करके जाना, मीन्स BMI अपना निकाल के जाना। अगर BMI अंडर कंट्रोल है, मतलब 28 से कम है तो आप ठीक है, मीन्स अंडर कंट्रोल है तो ठीक है, बट ज़्यादा है, 28 प्लस है, 30 प्लस है, तो आप जल्द से जल्द अपना वेट कम करके ही मेडिकल देने जाए, क्योंकि अगर एक दो भी ऊपर नीचे आया तो फिर दिक्कत दे सकता है, आपको टेम्पररी इजेक्शन मिल सकता है और आपकी बैच भी छूट सकती है, ठीक है। और उसके बाद मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊँ तो आप अपना BP चेक करके ही जाना, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में दो दोस्त हैं, उन्होंने इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर के लिए ही फॉर्म भरा था, उन दोनों का फिट एंड फाइन है, सब कुछ ठीक है, BMI ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ मेडिकल उनका BP हाई आने लगा। क्या पता कैसे हुआ, मीन्स वो शायद वो नर्वस हो गए थे, इसीलिए आप अगर आप घर से अपना BP मीन्स कोई भी नज़दीक के डॉक्टर से आप अपना BP एक बार चेक करवाए के जाएंगे तो आपको माइंड में क्लियरेंस आ जाएगा कि नहीं मेरा BP ठीक है, वरना काफ़ी कैंडिडेट्स नर्वस हो जाते हैं और उसकी वजह से हाई BP आने लगता है। अगर हाई BP आ गया तो फिर आपको अलग डॉक्टर के पास, जी वाले डॉक्टर के पास जाओ, ये टेस्ट करवाओ, उसमें आपका एडिशनल टाइम जाएगा, टेम्पररी अनफिट कहलाओगे और एडिशनल चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। इसलिए अच्छा है कि 100-200 रुपये दे के एक बार नज़दीक के डॉक्टर से BP चेक करा के जाए तो फिर माइंड में क्लियरेंस आ। इसी तरह आईसाइट टेस्ट भी बहुत ही मायने करता है। वो सिचुएशन तो मेरे साथ ही हुई थी, क्योंकि मुझे स्पेक्स लगे थे, पावर कम था, मैंने एक बार ट्राई किया था, मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है उतने के अराउंड ही मेरा आ रहा था, मीन्स 6x9 6x12 तक ही आ रहा था, इसलिए मैंने मेडिकल के लिए गया तो वहाँ मेरा दोनों आइस में 6x18 6x18 आ रहा था। मैं गुजरात से हूँ, मुझे गुजरात से मुंबई पहली बार जाना पड़ा, फिर मैं टेम्पररी अनफिट आ गया, डॉक्टर ने बोला कि आपको लेजिक करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपका फिर से आईसाइट टेस्ट होगा यहाँ पे, और उसके बाद ही आपको मैं मेडिकली फिट का रिपोर्ट दे पाऊँगा। तो फिर मैं मुंबई से फिर गुजरात आना पड़ा, फिर मैंने घर पे आके अपना लेज़र सर्जरी करवाया आँख का, और फिर 20-25 दिन के बाद मैं मुंबई गया और वहाँ पे जाके मैंने आईसाइट टेस्ट करवाया और फिर उन्होंने मुझे मेडिकली फिट का रिपोर्ट दिया। इसीलिए ये सब ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा पार्शियल अपना मेडिकल चेकअप करके जाए तो आइडिया आ जाए। तो मेरे साथ ये आईसाइट वाला इशू हुआ था, मेरे दो दोस्तों के साथ थी ये ब्लड प्रेशर हाई आने वाला इशू हुआ था, इसलिए हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ ना हो, इसलिए प्रिकॉशन थोड़ी रख के जाना तो आप इजीली मेडिकली क्लियर कर सकते हैं। इतना हाईटेक नहीं होता है, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं और नर्वस तो बिल्कुल ही नहीं होना है। तो यही होता है पूरा मेडिकल का प्रोसीजर। देखिए, काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे टेस्ट करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। देखिए, 6 to 7 मंथ तक आपको ऑन बोर्ड शिप में ही रहना होगा, तो वहाँ कोई मेजर इंजरी या मेजर हेल्थ इशू ना आए, इसीलिए इतने सारे टेस्ट ये लोग करवाते हैं। इसलिए इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ इजी टेस्ट ही होते हैं, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं।
अगर आप मेडिकली फिट है तो, अगर आपको सारी मेडिकल प्रोसीजर समझ आ गई है तो एक लाइक तो बनता ही है। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है मर्चेंट नेवी या फिर इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर के रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा टॉपिक हुआ तो मैं उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो दे बना दूंगा और आपके सारे डाउट सोल्व करूंगा। ऐसे ही मर्चेंट नेवी के रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे, मीन्स मर्चेंट नेवी के रैंक्स, उसकी सैलरी, काफ़ी सारे वीडियो मर्चेंट नेवी के रिलेटेड आएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दे। थैंक यू वेरी मच।